बीते दिन मिथुन चक्रवर्ती की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और एक्टर को सीने में दर्द हुआ था। वहीं इनके स्वास्थ्य पर अब लेटेस्ट अपडेट आया है। बता दें कि उस अस्पताल से उनका हेल्थ अपडेट दिया गया है। रिपोर्ट की माने तो मिथुन चक्रवर्ती को स्ट्रोक आया था जिसका ब्रेन से संबंध है। रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर फिलहाल पूरी तरह से स्वस्थ है और होश में है। अपोलो अस्पताल के आधिकारिक बयान में कहा गया कि मिथुन चक्रवर्ती को दाहिने ऊपरी और निचले अंगों में कमजोरी की शिकायत के साथ सुबह 9:40 पर अपोलो मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल कोलकाता के आपातकालीन विभाग में लाया गया था। वहीं इस बयान में आगे बताया गया कि उन्हें ब्रेन में स्ट्रोक था और फिलहाल वो पूरी तरह से होश में है और अच्छे हैं। बयान में भी बताया गया कि मिथुन की कई डॉक्टरों की देखरेख में इलाज चल रही है और उनकी बहू और एक्ट्रेस मदालसा शर्मा ने बॉलीवुड लाइफ से बातचीत में बताया कि डेड बिल्कुल ठीक है। बता दें कि मदालसा शर्मा ने कहा कि वह सिर्फ नियमित जांच के लिए गए थे, टेंशन की कोई बात नहीं है। वहीं उनके बेटे मिमोह चक्रवर्ती ने भी मीडिया को जानकारी दी थी कि उनके पिता बिल्कुल ठीक है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।